सिम्बा की मिस्टेक है। दोनों से सलारा एक बार देखोगे तो तुम आओगे दोबारा। मोबाइल को उठाओ और वो आइकन को दबाओ, शेयर करके वीडियो दोस्तों को तुम दिखाओ। आजा 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 फिल्म से कर सब्सक्राइब, मजा आए तो वीडियो को भी कर दू लाइक। इस वीडियो में है तेरे लिए सरप्राइज, एक बार कर लेना तू सब्सक्राइब। इस सीन में सिम्बा भागता आ रहा है और नीचे पानी पानी है, मतलब पानी के ऊपर से भागता आ रहा है, और उसका जूता और पैंट पर इतू सा भी पानी नहीं लगा नजर आ रहा, मतलब इतू सा भी गीला नहीं हुआ, जबकि वहाँ से भागता आ रहा है। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा फिसना। अब ये गाना तो सुना ही होगा आपने, पर देखो गा कौन रहा है, मतलब महाराष्ट्र का पुलिस वाला अब पंजाबी में गाना गा रहा है। इस सीन में चिरकुट लोग सिम्बा के मुंह पर ये प्लास्टिक रैप डाल के उसे मारने की ट्राई कर रहे हैं, पर एज यू नो फिल्म से ज्यादा यूट्यूब CID, क्योंकि अगर हम गौर करें तो इस प्लास्टिक रैप में एक छेद हुआ है जिसमें से सिम्बा का होमवर्क क्लियरली नजर आ रहा है, जिससे सिम्बा इजिली सांस भी ले सकता है। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। अब मैं देने जा रहा हूँ फ्री की सर्विस जो कि बहुत कॉमन है, और भैया हेडलाइट चल रही है वो बंद कर लो। दिन में भी सिम्बा हेडलाइट चलाकर जा रहा है, इस सीन में भी दिन में सबकी हेडलाइट चल रही है, पर आई थिंक सिर्फ इस लड़की को पता है कि दिन का टाइम है इसलिए इसने हेडलाइट ऑफ रखी हुई है। पर ये सीन तो हो गया ट्रेलर का जिसमें लड़की ने हेडलाइट ऑफ रखी हुई है, पर यही सीन जब हमने थिएटर में देखा तो इस लड़की ने भी हेडलाइट ऑन कर ली है। इसी में सिंगा ने सिरकुट को शर्ट से पकड़ के उड़ा कर फेंका है। अब यार कोई मुझे ये बताएगा कि ये शर्ट कौन से ब्रांड की है, शर्ट से पकड़ कर इतने हैवी बंदे को उड़ा दिया पर ये शर्ट नहीं फटी, और अब पीछे सिंगम किसी को गुस्सा भी मार रहा है। जो नहीं फटी वो शर्ट है। अरे हो यार गोचू तुझे कहा है, तू ना आया कर मुझे डिस्टर्ब ना किया कर, चल निकलता हूं यहां से चल। और अब पीछे सिंगम किसी को गुस्सा भी मार रहा है, पर वो भी लगा है क्या उसे, आई मीन गैप देखो बीच में बस। इस सीन में प्रिया इस बेंच पर नंगे पांव लेटी हुई है, पर अगर हम गौर करें तो हमें तो कहीं से इसका जूता नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या ये घर से नंगे पांव चल कर आई थी। और इस पुलिस स्टेशन को कौन कौन जानता है, जिसने कभी पबजी खेली होगी वो तो पक्का जानता होगा। इस सीन में विक्रम जब खड़ा हो रहा है और कैमरा नीचे से दिखा रहा है तो पीछे ये दो विंडोज ओपन है, क्योंकि क्लियरली हमें रोशनी अंदर आती नजर आ रही है, पर जैसे कैमरा ऊपर आता है तो पीछे वाली विंडो खुद ही बंद हो जाती है। इस सीन में बाजीराव सिंघम जब ये विंडो तोड़ कर आता है तो इस गाड़ी के ऊपर कोई भी लाइट नहीं चल रही, और जैसे गाड़ी नीचे आती है और सिंघम बाहर निकलता है तो ऊपर तो लाइटें जल रही है। एंड आई लव रीमेक्स, पर अगर ऐसे रीमेक्स बनते रहे तो फिर फ्यूचर में लोग किसका रीमेक बनाएंगे। अरे अभी कोई ओरिजिनल सॉन्ग ही नहीं आ रहा तो फिर क्या फ्यूचर में रीमेक का रीमेक बनेगा। एक्सप्लेन अस प्लीज। सो फॉर मी रीमेक्स आर आल्सो अ सिन, तो ये सॉन्ग भी रीमेक है ये भी, बल्कि पूरी मूवी ही रीमेक है टेंपर मूवी की जो कि इन्होंने खुद मेंशन किया है, तो इस पर तो यार बोनस बनता ही है ना। अरे आज का बस इतना ही, अच्छा लगा तो मेरे को लाइक।